number 4, determine whether the value given against each of the quadratic equation are the root of the equations. आपको देखिए पहले example दिया गया, आपको x square plus 4x minus 5 is equal to 0. तो हमें दो value दी गई इसमें, एक दी भी x is equal to, मैं फिर से write कर लेता हूँ इसे दूसरे color में. देखिए यहाँ पर x is equal to 1 और comma minus 1, तो दो value दी गई. तो हम पहले इसमें इसको solve करते हैं. तो solve इस तरह हम करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे put x is equal to 1 in given equation. तो लिखेंगे put x is equal to 1 in equation. अब equation कौन सा दिया गया, ये दिया गया हमें x square plus 4x minus 5 is equal to 0. x के ऊपर कितना पुट करेंगे हम, x की जगह पर हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 वन जा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 1 ऑन 4 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0. तो हम यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, LHS is equal to RHS. यानी इसका मतलब 1 अगर हम equation में put किए तो हमें दोनों side की value कितनी मिल रही है हमें, तो हम लिख सकते हैं x is equal to 1 is the solution या is the root of the equation ठीक है. चलिए आप यही, अब हमने 1 पुट किए थे, अब इसमें माइनस 1 हमें दी गई है, तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. चलिए माइनस 1 हम पुट करते हैं. माइनस 1 जब हम पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन कौन सा देगा हमें, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 वन जा 4 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 9, देखिए 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो हम बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS. तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट रूट ऑफ इक्वेशन. चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं. देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू एक बार 2 है और एक बार 5 बाय 2 है. चलिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2. तो इक्वेशन को देगा 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0. m के ऊपर कितना पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे. 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0. 4 2 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो कितना है ये, माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS. द 2 m इज इक्वल टू 2 नॉट रूट ऑफ इक्वेशन. चलिए उसके बाद में हम उसका ही जो 5 बाय 2, अब लिखेंगे आप पुट m इज इक्वल टू 5 बाय 2 इन गिवन इक्वेशन. तो 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0. तो हम m के ऊपर कितने वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 5 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 बाय 2 इज इक्वल टू 0. तो
2 into 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 माइनस 5 5 इज 25 अपॉन ये 2 इज इक्वल टू 0. 2 1 2 2 2 4 तो कितना आया 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. ये माइनस माइनस कट हो गया बचा 0 इज इक्वल टू 0. तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS. तो हम बोल सकते हैं M इज इक्वल टू 5 बाय 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल.